तुम्हारा इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? तेरा फैसला। तू कल कोर्ट में खड़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही देगा, ये जानते हुए भी कि मैं शेषनाग के लिए काम करता हूँ। गवाही तो मैं जरूर दूंगा, तुमसे और तुम्हारे शेषनाग से जो कुछ बनता हो कर लेना। तो ले फिर मर कुत्ते की मात। अरे जल्दी से इस हॉस्पिटल ले चलो। अबे ओ छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल, कानून के उसे मायती का हर्ष देखने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली, तू मेरे हाथ से मरना चाहता है क्या? अबे मारना जिलाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, एक गवाह को मारकर तू सत्यदेव को डराना चाहता है? अबे पुलिस स्टेशन चल, वरना तेरी हड्डियां पसे तोड़ दूंगा। छोड़ दो मुझे, चल। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं पूछती हूँ, तुम ये सब बंद करोगे या नहीं? ओफो, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? आज किसी गुनेगार को पकड़वाना उसके गुनाह से भी बढ़कर गुनाह है। तो क्या उनके डर से अपने जीने का ढंग बदल दूं? ओफो, और भी तो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, एक तुम्हें कोई पराया आग में अपना हाथ डालने का शौक क्यों है? किसी के घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टर पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाते हो, किसी को जरा सी तकलीफ हो, जरा दुख हो तो उनसे पहले तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कभी अपने बेटे के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, और अगर उस पर भी आंखें ना खुले तो ये आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो मैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी गीता उन्हें पाल लेगी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा दिलेर और हिम्मत वाली है। देखो देखो, अब ये बातें बनाकर मुझे मत बहलाओ। अच्छा ये बताओ, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? शांति। एक बात बोलो, मैं कितना भी बड़बड़ाऊं लेकिन तुम्हारी कसम, तुम्हारी सच्चाई पर मुझे अभिमान है, और यही वजह है मैं तुम्हारी इज्जतें नहीं पूछा करती हूँ। गीता, मैं तुम्हारी श्रद्धा को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि गीता ही मेरी शक्ति है। आज जिस आदमी को मैंने रंगे हाथों खून करते हुए पकड़ा है, जब अदालत उसे सजा देगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चश्मदीद गवाह, सत्यदेव की गवाही के बिना पर यह अदालत मुजरिम शंकर को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। नहीं, मेरे भाई का कानून ने कत्ल कर दिया, और उसकी वजह है वो सत्यवादी सत्यदेव। ना, ना। तुम्हारा भाई मरा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है। कानून तोड़ना जिनका धर्म हो और खून करना जिनका कर्म हो, वो धर्म और कर्म की राह पर शहीद होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। वो लोहा होता है जिसको गर्म करके काटते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि दुश्मन को हमेशा ठंडा करके मारना चाहिए। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, व्यापार से लेकर कलयुग तक दुश्मन को मारने के लिए व्यूह की रचना की जाती है, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। इस चक्रव्यूह से अभिमन्यु जैसा योद्धा तक नहीं बच पाया, फिर इस सत्यदेव की औकात ही क्या है? हा? देखते रहो मैं उस सत्यदेव को अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाता हूं। अरे गीता, जल्दी से मेरा छाता दो, वरना फैक्ट्री पहुंचने में देर हो जाएगी। लाई बाबा, ये लो। अरे ये क्या है? क्या है? क्या है ये? ये क्या है? तुम्हारे माथे का लाल टीका कहाँ है? ओ बा, हजार मर्तबा कहा है कि लाल टीके के बगैर मेरा प्यार अधूरा है। अरे बाबा, ये लाल टीका ही तो मेरी प्रेरणा है। जल्दबाजी में लगाना भूल गई, अब भी लगा लेती हूँ। सुनो, कहीं जिंदगी में मैं जल्दबाजी कर गया तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें भूल गया।
तुम भूल कर भी हमें भूल नहीं सकते, समझे? मान लिया, तुम जीत गई, मैं हार गया। चलो। पापा मेरी किसी। अरे मामा मैं तो भूल ही गया था, लाओ। और ये क्या? बड़े को खुशी दी है, आने वाले छोटे को भी तो देनी पड़ेगी। हाँ एक गाड़ी में नमस्कार। नमस्कार, माफ कीजिएगा, मैंने आपको मैं शेषनाग हूँ और ये है शिवा। इसके भाई शंकर को आपकी गवाही ने कल फांसी पर लटका दिया। वो खूनी शंकर? हाँ, खूनी, कमीना, दरिंदा और बड़ा ही टुच्चा आदमी था। मैंने उसे लाख समझाया कि बाबा रे कानून को हाथ में मत लो, नहीं माना, नतीजा भी भुगत लिया। अब सत्य के उपासक सत्यदेव है और मैं हूँ सत्य का दास। शंकर के पापों पर पर्दा न डालकर आपने सत्य की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ये कहना आपका बड़प्पन है सत्यदेव जी। ये मेरा कार्य। भगवान ना करे आप पर कभी किसी दुख या परेशानी की छाया पड़े, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त मैं अगर आपके काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या? हाँ, उन्हें हॉस्पिटल ले गए, आप जल्दी चलिए। चलो। सत्यदेव भैया, क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मेरा नाम सत्यदेव है, गीता मेरी पत्नी है। क्या हुआ उसे? मेडिकल टर्म्स जानकर क्या कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे लिए उन दोनों की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती है। जैसे भी हो जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। इस ऑपरेशन में तकरीबन 20,000 रुपए खर्च होंगे। 20,000 रुपए? डॉक्टर साहब, इतना रुपया तो हमने आज तक अपने हाथों से गिना तक नहीं। 800 रुपए कमाने वाला मजदूर इतने रुपयों का सपना भी नहीं देख सकता। मैं एक मजदूर की मजबूरी समझता हूँ मिस्टर सत्यदेव। ऑपरेशन तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा दवा और दूसरे खर्च भी तो हैं। मेरा काम आ रही है वक्त जाया करने के बजाय कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करके भले ही अपने आप को गिरवी रखकर इन पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। नमस्कार। ओहो, धन्य भाग हमारे, चूटी के घर भगवान पधारे। मैं प्रार्थना लेकर आया हूँ सेठ जी कि मेरी पत्नी एक जिंदगी को जन्म देने के लिए मौत से लड़ रही है अस्पताल में। अगर मैं आधे घंटे के अंदर 20,000 रुपए लेकर अस्पताल में नहीं पहुंचा तो मेरी गीता मर जाएगी सेठ जी। ना 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 सत्यदेव जी, गीता तो अमर है, ना ही वो कभी मरी थी और ना ही कभी मरेगी। शिवा, जानते हैं सत्यदेव जी, लक्ष्मी और ग्रह लक्ष्मी के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है। इसीलिए तो सेठ जी, लक्ष्मी की कृपा है आप पर। शेषनाग जी, ये लीजिए सत्यदेव जी, इसमें 5,00,000 रुपए है, इन पर अब सिर्फ आप ही का अधिकार है। नहीं सेठ जी, मुझे 5,00,000 नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए, वो भी अधिकार से नहीं बतौर कर्ज के। लेकिन सत्यदेव जी, कर्ज लेते समय कुछ जमानत दी जाती है। मेरी जिंदगी, मेरी सांस,
मेरे तन की चमड़ी तक आपकी है सेठ जी। इतना सब कुछ तो मुझे मंदिर के बाहर बैठा भिखारी भी दे सकता है, अगर मैं उसे 20,000 रुपये दे दूं तो। सेठ जी, तो फिर उस चीज का नाम बताइए, मैं आखिरी सांस निकलने से पहले उसे आपको लाकर दूंगा। मुझे सत्यदेव चाहिए। सत्यदेव? हाँ, वो सत्यदेव जिसको सारी दुनिया सत्य का देवता मानकर उसकी पूजा करती है। सेठ जी, सत्य की तो पूजा होती है, सत्य बिकता नहीं, लेकिन आज अपनी गीता, अपनी आने वाली संतान को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूं कि आज से ये सत्यदेव आपकी धरोहर है, आपकी अमानत है, आपकी जागीर है। तो ये आपका वचन है? जी हाँ, ये मेरा वचन है। सांप का फंड कुचलने के बजाय आपने उसे दूध पिलाया है, क्या जरूरत थी 20,000 रुपए देने की? तुम नादान हो, बच्चे हो। जैसे कुछ लोगों की ताकत झूठ होती है, वैसे कुछ मूर्खों की कमजोरी सत्य होती है। आज ये सत्यदेव हमें वचन देकर हमारे चक्रव्यूह में खुद फंस गया है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी पत्नी? तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, और बधाई हो, उसने बेटे को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने रुपए कैशियर के पास जमा करवा दिए। मिस्टर सत्यदेव, लगता है भगवान तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। दरअसल तुम्हारे रुपया जमा करवाने से पहले ही मैंने ऑपरेशन कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब कौन होता है? कौन? अपने बच्चों के करीब हूँ, अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ, मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब हूँ। Thank you.
पे बड़ा एहसान किया है, सब कुछ मुझको रब ने दिया है, मुझ पे बड़ा एहसान किया है, सब कुछ मुझको रब ने दिया है। मुझको किसी से आओ सत्यदेव आओ। ये आप मुझे कहां ले आए सेठ जी? देखो कम की जाए तो उसे बात कहते हैं और ज्यादा की जाए उसे बकवास कहते हैं। जाहिर है जब 20,000 रुपयों में सत्यदेव मेरे पास बिका है तो मैं उससे गैर कानूनी काम ही करवाऊंगा। और कुछ मत कहिए सेठ जी, आप सारी जिंदगी मुझसे अपनी गुलामी करवाई है, इतनी मेहनत मुशक्कत करवाई है कि मेरा खून सूख जाए, मेरी चमड़ी उधर जाए। लेकिन सेठ जी ऐसा काम मत करवाइए जो मेरी आत्मा के खिलाफ हो। सत्यदेव हमने सुना है कि फैक्ट्री और मोहल्ले के लोग नियत और ईमानदारी के नाम पर तुम्हारी कस्में खाते हैं, तो जाकर कह दो उनको कि झूठा और मक्कार है सत्यदेव, जो खुद को मेरी अमानत और जागीर होने का झांसा देकर 20,000 रुपए ऐट ले गया है। जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, फरेब से कमाकर तुमने जिंदगी बचाई है अपने बेटे की, अगर उसका भुगतान नहीं करोगे ना तो एक दिन वही बेटा कानून का दुश्मन बन जाएगा, गैर कानूनी धंधा करेगा। ऐसा मत कहिए सर जी, भगवान के लिए उस मासूम को ऐसा श्राप मत दीजिए। अपनी जुबान की भरपाई कर दो, तुम्हारा बेटा इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। अपनी बीवी, अपने बच्चे पर किसी भी बद्दुआ का साया न पड़ने पाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर कब तक इस कर्म की भरपाई करता रहूंगा? जिस दिन मैं 20,000 रुपये के एवज में 20,00,000 कमा लूंगा उस दिन मुक्त कर दूंगा तुम्हें। ठीक है सर जी, मगर मेरी गीता को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो जीते जी मर जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शेषनाग जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे बदला ले रहे हैं या अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं। नहीं शिवा नहीं, कल ये अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी हेराफेरी करेगा, जिसकी खबर भी पुलिस को हम ही देंगे। हमारा थोड़ा सा माल पकड़ा जाएगा, लेकिन सत्य का पुजारी सत्यदेव सलाखों के पीछे और इसी के साथ ही तुम्हारे भाई के मौत का बदला पूरा हो जाएगा, समझे? हमें खबर मिली है कि इस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है,
आपको खबर सही मिली है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ सच बोलता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित है। सब कुछ तोड़ दिया तुमने, सब कुछ टूट कर बिखर गया। कानून तोड़ा तुमने, इसका तो सिर्फ दुख है मुझे, मगर सत्य का देवता सत्यदेव टूट गया, ये तो कलंक का टीका बन गया मेरे माथे का। ये क्या गीता, सिंदूर की जगह काला टीका? आज करवा चौथ है, अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है मैंने, ये मेरा धर्म है। वैसे तो आज के दिन हर सुहागन अपने माथे पर सिंदूर का लाल टीका लगाती है, पर मैंने तुम्हारा दिया हुआ कलंक का काला टीका लगाया अपने माथे पर। सिद्धांतों की दुहाई देकर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाता गीता, जज्बात से मेरे बेटे की जान नहीं बच जाती। अरे अगर मुझे पता होता मेरी जान मेरे बच्चे की जिंदगी की कीमत तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़ कर चुकानी पड़ेगी, तो मैं बाज रहकर बिना औलाद के मर जाना पसंद करती। आज पहली और आखिरी बार मैं तुमसे यहां मिलने आई हूं, अगर कमजोर औरत होती तो जिंदगी में तुम्हारे सहारे की जरूरत होती, मगर सत्य जिनका सहारा हो वो कभी बेसहारा हो ही नहीं सकते। बहुत हिम्मत और ताकत है मुझ में, पाल लूंगी अपने बेटों को और जिंदगी भर अपने सत्यदेव का इंतजार करूंगी, और जब तक मेरा सत्यदेव वापस नहीं आता मैं अपने माथे पर काला टीका ही लगाऊंगी, और अपने बच्चों को कभी इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगी। जब तकदीर की मार से रिश्ते टूटते हैं तब इंसान न तो खुद को दोष दे पाता है और न ही भगवान को। वो एक ऐसा खिलौना बनकर रह जाता है जिसे जिंदगी भर खुद ही देखना पड़ता है अपनी तकदीर का तमाशा। आज सत्यदेव की 7 साल की सजा खत्म हो रही है। आओ सत्यदेव। नमस्ते। देखो सत्यदेव, तुम्हारी सजा पूरी होने से पहले तुम्हें आज रिहा किया जा रहा है, इसकी वजह है तुम्हारा अच्छा चाल चलन। मैं जानता हूं यह सजा तुम्हारे किए की सजा नहीं है, यह तो तुम्हारा प्रायश्चित है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें ये सलाखों की जिंदगी फिर देखनी पड़े। सत्यदेव भैया। धनी राम, गीता। गीता भाभी तो यहाँ से चली गई भैया। चली गई कहाँ? कोई नहीं जानता सत्यदेव भैया, जाते जाते सिर्फ इतना कह गई हैं, वो आएंगे जरूर, उनसे इतना कह देना कि गुनाह की परछाई बहुत लंबी होती है, गुनहगार तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहता है लेकिन उसकी काली छाया घर के आंगन तक पहुंच जाती है, और मैं अपने बच्चों पर वो परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगी। कहाँ जा रहे हो सत्यदेव भैया?
मेरी गीता और मेरे बच्चे चले गए तो आज ही सत्यदेव की मौत हो गई। देखो अब अगला जन्म किस रूप में होता है। तुम? हाँ, मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूं शेषनाग। अब तू भी अपनी तबाही से पहले का आखिरी जाम पी ले। चाहते क्या हो तुम? अपनी बर्बादी का हिसाब। गुलामों को बादशाह से अपनी बर्बादी का हिसाब लेने का हक नहीं होता सत्यदेव। फिर तुम किस बात का हिसाब लेने आए हो? जो मेरी आत्मा की किताब में लिखा है शेषनाग, एक मजबूर इंसान की मजबूरी खरीद कर उससे जेल की सलाखों के पीछे मजदूरी कराने का हिसाब। एक बाप को अपने बच्चों से अलग करवाने का हिसाब। मेरी गीता को मुझसे जुदा करवाने का हिसाब। मुझे माफ कर दो सत्यदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। सत्यदेव? कौन सत्यदेव? किससे माफी मांग रहा है शेषनाग? सत्यदेव की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। अब तेरे लिए एक नए देव का जन्म हुआ है और उसका नाम है देवा। तुझे गुलाम बनाने का बड़ा शौक है ना, और मुझे बादशाह की तरह जीने का। आज के बाद तेरी दौलत, तेरे माल, तेरी जायदाद पर राज करने वाले इस देवा की गुलामी तू करेगा। मेरी कमाई और मेरे माल पर राज करेगा तू? ये रहे आपके 3 करोड़ रुपए और ये रहा आपका माल। इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा इसे चेक कर लूं। श्योर। ये माल तो नकली है। लेकिन ये रिवॉल्वर और गोली दोनों असली हैं। हरामजादे, उस कुत्ते शेषनाग से कह देना देवा ने जो वादा किया था ये उसकी पहली कड़ी है। उस कमीने ने मेरे मालिक को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं ऐसे आदमी की कोई मदद नहीं करूंगा जो नशीली चीजों का व्यापार करता हो। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद मैं वही करूंगा जो जो आप कहेंगे। चलो पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं नहीं, एक रात, सिर्फ एक रात में भिखारी सत्यदेव करोड़पति देवा साहब बन गया। नहीं, अब मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये देवा नाम का नासूर मुझे एक दिन खत्म कर देगा। देवा, we'll be right back.
लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो सिर्फ उस कमीने शेषनाग कप्पन को चलना है। भंडारी, इंसान जब भी उदास होता है तो वो किसी मंदिर या फिर किसी शराब खाने में जाकर अपने उस गम को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन आप जब भी अकेले होते हैं जहां चले आते हैं। भंडारी, चोला तो देवा का पहना है मैंने, लेकिन आत्मा तो सत्यदेव की है। देवा का बंगला कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन सत्यदेव का घर ही उसका मंदिर है, और उस मंदिर की देवी ही मेरी गीता है, और हमारे दोनों बेटे हमारी तपस्या का फल है, जिनका इंतजार मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मेरी गीता का इंतजार, हमारे दोनों बेटों का इंतजार। स्कूल की तारीख में जिस दिन से उस लड़के का नाम दर्ज हुआ था, उसी दिन से उसकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल दर्जे पर रहने वाला बच्चा है सूर्य प्रताप। आओ सूर्य प्रताप। टेक इट, ऑल द बेस्ट माय सन। क्वाइट 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 बॉयज, वक्त के साथ साथ जब कोई इंसान तरक्की करता है तो उनके माँ बाप की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो नाम जो गुजरे हुए कल से आज तक अव्वल रहा है, मुझे यकीन है कि वो नाम आपकी जुबान पर अब तक आ गया होगा। सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप। आज इंडस्ट्रीज की वो मशहूर हस्ती जो अपने नाम, इज्जत, दौलत और शोहरत में अव्वल हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी जनाब देवा साहब, जो खास करके बॉम्बे से यहाँ आए हैं, अपने शुभ हाथों से ये कप सूर्य प्रताप को प्रदान करेंगे। सूर्य प्रताप। नमस्ते। बचपन से आज तक की तुम्हारी जो तारीफ प्रिंसिपल साहब ने की, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़कपन है आप में। आज आपका एहसास मेरे दिल को छू गया। ट्रॉफी के साथ साथ आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भी देता हूं। हमेशा नंबर वन रहे हो, हमेशा नंबर वन रहना। हाथों से ट्रॉफी दी है आपने, आशीर्वाद के लिए पांव छू लो। जीते रहो सूर्य प्रताप, सूरज की तरह सारी दुनिया को रोशनी देना, मगर याद रहे हमेशा नंबर वन रहना। थैंक यू सर। देखो ना, देखते देखते बरसों गुजर गए,
पर मैंने अपना वचन निभाया है। तुम्हारा बड़ा बेटा इंस्पेक्टर बनकर इसी शहर में आया है जहां मैंने तुम्हें खोया था। छोटा थोड़ा शरारती है, तुम पर चुक गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने कोख से तुम्हें ही जन्म दिया है। तभी तो उसका नाम सत्या रखा है। माँ, माँ, ए माँ, फिर वही आंसू, फिर वही पिताजी की याद है। अच्छा माँ, एक बात तो बताओ, कितना प्यार करती हो तुम पिताजी से? आसमान की ऊंचाई कोई नाप सकता है बेटा? जो मैं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करती हूँ तेरे पिताजी से? कमाल है माँ, पिताजी से इतना प्यार करती हो और घर में एक तस्वीर तक नहीं रखी उनकी। अरे कम से कम हम देख लेते कि इतने भाग्यवान इंसान कौन रहे होंगे। और यकीन कर माँ, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर तेरे पास जरूर ले आता। बात यह है कि जब हमारी शादी हुई थी हम दोनों बहुत छोटे थे, और फिर उस जमाने में तस्वीर का इतना चलन भी नहीं था। आ खाना खा ले। अकेले तो खाना अक्सर खा लेता हूँ माँ, पर जब भी छोटा सामने होता है ना तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ अता पता बताकर गए हमारे छोटे बादशाह कि आज उनकी सवारी कहाँ गई है? तू जो समझता है ना वो ऐसा नहीं है। जब से होश संभाला है गरीबों और बेसारों का सहारा बनने का जतन करता रहा है। आज वो गया है अपने चाचा का जन्मदिन मनाने। क्या क्या? Thank you.
धनी पामा नहीं धनी पसा आजा मेरे पास आ, मैं जो गाऊं तू भी गा आजा मेरे पास आ, मैं जो गाऊं तू भी गा सफर तुम पे ही है सबकी नजर लंबी डगर लंबा सफर तुम पे ही है सबकी नजर आजा मेरे पास आ मैं जो गाऊं तू भी गा आजा मेरे पास आ देर कर दी चल जल्दी आ माँ वो चल जल्दी खाना खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया बड़ा आया आया खाना खाया खाया नाराज तो नहीं थोड़ा है सुबह तक ठीक हो जाएगा और चुप चुप जाके सो जा मैं सो जाता हूँ सो गया सो गया आ गए तुम है? हाँ खाना खाया खाया प्रोग्राम कैसा था अच्छा था तुम सो रहे हो क्या हाँ खाना खाया हाँ खाया खाना कैसा था अच्छा था डांटोगे नहीं नहीं अब जाग गए हो तो डांट भी दो ताकि मैं आराम से सो सकूं जानता हूं नेक काम करके आया है फिर क्यों डांटू हाँ मगर छोटे एक बात कहूं तुझसे ये नाचने गाने से जिंदगी नहीं बीतेगी अब कुछ काम काज के बारे में भी सोच देखो बड़े माँ ने जो तपस्या की है उसका यह फल है कि तुम्हारे काम से घर चल रहा है मुझे कुछ ऐसा काम करने दो जिससे दुनिया का भला हो एक से माँ का मन खुश होगा दूसरे से आत्मा बात करने में तो तुझे कोई मात नहीं दे सकता मगर छोटे एक बात बता ये नाचने गाने से मिलता क्या है तुझे वही जो तुम्हें चोर और डाकुओं को पकड़ने से मिलता है शांति अच्छा चल अब तो सो जा वरना माँ डिस्टर्ब हो जाएगी गुड नाइट गुड नाइट भगवान ये लड़ते हैं तो रुलाते हैं प्यार करते हैं तो आंखों को बरसाते बस नजर ना लगे इनके प्यार को नहीं बकवास करते हो तुम लोग अगर इस बार मेरा माल सही सलामत नहीं पहुंचा तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम लोगों को शेषनाग जी
इस बार हमारा माल देवा तो क्या, देवा के फरिश्ते तक छू नहीं पाएंगे। ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं मेरे कान। अगर मेरे पास छोटी सी मिल नहीं होती, छोटा सा होटल नहीं होता, तो मैं किसी चौराहे पर भीख मांगता हुआ खड़ा रहता। हाँ, और देवा की गाड़ी बड़े शान से वहां आती, वो मेरे कटोरे में खोटी आठन्नी डालता और शान से चला जाता। शेषनाग जी, इस मर्तबा हम अपना माल गोदाम तक लेकर जरूर आएंगे। अब, लेकिन हमारा प्लान तो सुन लीजिए आप। बको बको बको, 20 साल से यही तुम्हारी बक बक सुनते आ रहा हूँ। बको, कल जो हमारा माल आने वाला है उसकी हिफाजत के लिए सड़क पर हर 50 फीट की दूरी पर हमारा एक आदमी हथियार लिए खड़ा रहेगा, और वहां अगर देवा की परछाई भी नजर आई तो वो लोग उसे टूट डालेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर देवा मिल गया तो भून के रख दो उसे। किल हिम, किल हिम। माल लूटने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, अकल की भी जरूरत होती है। तुम अपने सारे आदमी सड़क पर छोड़ आए, और जो प्यादे बच्चे थे वो यहां बेहोश पड़े हैं। अब जो मैं कहता हूं वही कर। हेलो, शेषनाग स्पीकिंग। शेषनाग जी, खुशखबरी है, हमारा माल गोदाम तक बराबर पहुंच गया है। That's it. अरे माला माल कर दूंगा तुम लोगों को। अब उस देवा के बच्चे को भी पता चलेगा कि हमारे आदमी उससे भी ज्यादा चालाक और खूंखार है। ये लोग तुम्हारी तरफ बेवकूफ हैं शेषनाग। Who is speaking? तुम्हारे गोदाम के माल का असली मालिक देवा। मैं इस हरामी को किसी भी कीमत पर खत्म करूंगा, किसी भी कीमत पर। इतनी रात गए कहां जा रही है अंगूरी रानी? क्यों, कहीं आने जाने के लिए तेरी या तेरे बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? हमरे बाप का, अपना ससुर का, क्योंकि हम जब तेरे जैसी अनाथ लड़की से शादी करेंगे तो हमारा घर तो हो जाएगा तेरा ससुराल, हमरे बाप तेरे ससुर। छोड़ दे मेरा रास्ता। अरे, एक बार हमरे साथ गड़बड़ कर लो तेरे रास्ता तो गया, पूरी दुनिया ही छोड़ देंगे। देख धनिया पांडे, इस बस्ती में तेरा पैतरा काफी फिट है, और यहाँ के कुछ बेवकूफ लोग थे जो गुंडा भी कहते हैं, अगर कोई ऊंची हरकत की और मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया तो वही तुझे टुंडा कहेंगे। हमारा नाम गुरु घंटाल धनिया पांडे है, और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, कितनी मर्दांगी से उसका हाथ पकड़ा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे भी दोनों कलाई ऐसे ही पकड़कर मरोड़ते ना, हड्डियां भला ही टूट जाए पर जिंदगी भर तेरा ही नाम जपती रहूंगी। सत्य 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 सत्य। चुप, आखिर तेरा मेरा रिश्ता क्या जो मैं तेरा हाथ थाम लूं? रिश्ता नहीं है तो
फिर तू आता क्यों है यहाँ पे? तू नहीं समझेगी, इसी बस्ती से नहीं दुनिया के हर बस्ती से लगाव है मुझे, क्योंकि ऐसे ही किसी बस्ती में पलकर मैं भी बड़ा हुआ हूं। यहाँ के रहने वालों के दर्द को मुझसे बेहतर ढंग से और कौन समझ सकता है? खैर तू नहीं समझेगी, तू जा, तू अपने घर जा। इतनी रात गए अकेली लड़की का इस तरह घूमना ठीक नहीं है। आज चली जाती हूँ, पर एक दिन तेरा ही घर मेरा घर होगा। तो ठीक कहती है बेटा, एक दिन ऐसा ही छुएगा। सच्चा चाचा? पुराना शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। थैंक यू जॉन चाचा। चोर पुलिस से लंबा, अभी दिखाता हूँ तुझे शर्मा हवलदार का डंडा। चल अंदर चल, गेट इन, गेट इन। और सुन, इसका ताला बंद करके चाबी मुझको दे देना। भैया मैं क्या क्या काम करूं, कितने चोरों को पकड़ूं दिन में एक साथ, मैं क्या कोई अमिताभ बच्चन? लो अब इन्होंने तो पुलिस स्टेशन को सेंट्रल लाइब्रेरी समझ रखा है। आप ये क्या शर्मा जी, गुंडागर्दी, हवलदार की पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी। भैये मैगजीन पढ़ने का हक सिर्फ उनको है जिनके हाथों में ताकत है, दिमाग और तीन फीतियां हैं। वाह भैये वाह, क्या जुल्फे हैं, आंखों तक पहुंच गई, क्या लोहे का हाथ है, जेब में घुस गया है, क्या कॉस्ट्यूम है। पर भैये टाइम टाइम का चक्कर है, वरना आज जहां तू है वहां तो मुझे होना चाहिए था। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शाहजहां। जानता है तो किससे बात कर रहा है? जानता हूं, जानता हूं। जौनपुर के उस ग्वाले से जो कभी दूध का धंधा किया करता था और आज गरीब इंसानों को कच्ची शराब पिलाता है। सुन ना ले, कल से दूध का धंधा फिर से शुरू कर दे, वरना जैसे निकलता है तीर कमान से, जैसे निकलता है तीर कमान से, देखो चलाओ निकलाओ शान से, उसके ही से सबकी जुबान पे वो बात। कौन है? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। अरे वाह, बिल्कुल ठीक पहचाना यार। अबे शर्मे हवलदार, शेर की खाल पहनने से कीटन शेर नहीं बन जाता। नहीं 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 नहीं, शर्मा शर्मा शर्मा, क्या हुआ सर? आलू ऑर्डर करा पाओ। Yes, sir. शर्मा शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, और ये दिन में सपने देखना बंद कर दे। अगर नहीं बंद करेगा ना तो ये वदी पे से तीन फीतियां उतर के दो फीतियां लग जाएगी, समझे? फीतियां इस तरफ है। Yes, sir. बेवकूफ। और अगर किसी दिन इससे ज्यादा खौफनाक सपना देख लिया ना तो ये पूरी की पूरी वर्दी जो है ना उतर जाएगी। नहीं सर, ये मेरे पास एक ही है। शट अप। सर वो चक्कर क्या है,
कि जितनी पगार मिलती है ना उसमें पूरा पेट तो भरता नहीं। अब जब पूरा पेट नहीं भरेगा तो रात को नींद कैसे आएगी, और जब रात को नींद नहीं आएगी तो मैं सपने कैसे देखूंगा। और सर यू तो नो वेरी वेल कि इस मुल्क में बगैर सपने की कोई कैसे जी सकता है। हाँ। इसलिए सर मैं तो दिन में ही सपने देखता हूँ। उसमें क्या है ना तो पगार का माल खर्च होता है और ना ही ऊपर की आमदनी का। शर्मा ब्लडी फूल, गेट आउट, गेट आउट। जाकर बोरी गली के कालिया को यहाँ फौरन बुलाकर लेके आओ, जाओ। यस सर। ओ सॉरी सर। अब बेवकूफ। नमस्कार शर्मा जी। हेलो रामधनी, हाउ इज लाइफ? सब गार्ड लोगन का कृपा है। उसी की तो कृपा है जिसने ये सारा बनाना बनाया है। केला भाई, इस तरह के एक दर्जन कितने के हुए? अब आप लोगन से पैसा? अरे नहीं 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 नहीं, डोंट बी स्टूपिड, पैसा तो हम देंगे। आज ही हमें हफ्ता मिला है ना। दिल अपना और प्रीत पराई, हवलदार की जेब सफाई। अब कलयुग की सीता। देखो साहब, मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, मेरी माँ बीमार है, पाप मर गया है और भाई की फीस जमा करनी है। मुझे पता चल गया तेरा करेक्टर क्या है। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल सच कहा, आप तो ज्योतिषी हैं। वाह 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 वाह। इंस्पेक्टर जा जा जा। हाय हाय, मुझे बेवकूफ बनाती है। चल चल मेरे साथ। हैव ए वॉक विद मी टू द पुलिस स्टेशन। कम। गुड मॉर्निंग सर। शर्मा उस कालिया उस्ताद को लाया क्या? सर कालिया उस्ताद को नहीं, लेकिन गोरिया उस्तादनी को लेकर आया हूँ। ये किसकी बात कर रहे हो तुम? सर एक लड़की जिसने दिन दहाड़े बंबई पुलिस के सबसे स्मार्ट हैंडसम और गुड लुकिंग हवलदार शर्मा की जेब काटने की कोशिश की सर। ठीक है बाबा, ये कौन है? सर आइए आपको मिलवाता हूँ। गेट अप सर, प्लीज कम कम, फॉलो मी। कम सर, हैव ए मीटिंग विद हर। सर ये बहुत ही टैलेंटेड जेब कतरी है। शर्मा सॉरी सर। ए लड़की, ए, मैं तुम्हें से कह रहा हूँ। यू, ये सब क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। घर में टेलीफोन करो तो हजूर नदारत, पुलिस स्टेशन में फोन करो तो काम में मसरूफ। माँ शुक बेचारी करे भी तो क्या, आखिर तंग आकर तुमसे मिलने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अच्छा अब जरा इस हवालात का भी मजा चख लो। शर्मा इस लड़की को कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ से मत छोड़ना। ओह नो प्लीज, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, सजा काटने नहीं। मुझसे इनकी कंडीशन देखी नहीं जाती। मैडम आप हाथ हटाइए और मत घबराइए, देखिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर आप इंस्पेक्टर हैं तो ये होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्ट्री में मुझे भी नौकरी करनी है और आपको भी। शर्मा सर गुस्सा थूक दीजिए, इनको बाहर ले जाइए। सर आई वॉन्ट यू टू एंजॉय विद हर। मैडम कम आउट, कम आउट, कम आउट मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच। आइंदा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो या तो मैं डकैती डालूंगी या मर्डर करूंगी, समझे? आई लव यू सर। शी लव्स यू वेरी मच। गेट लॉस्ट। शर्मा ए शर्मा, शर्मा कहाँ गया? कहाँ गया? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन माय हेड। ए अंगूरी, कीप सम दूरी, दिस इज चूरी। औरतें बड़ी एहतियात से अपनी उंगलियां बचाते हुए इससे सब्जियां काटती हैं। ए सत्या, मुझे भी वाले चलो ना, जहाँ तू रोज दूसरों को गुलछरी उड़ाते देखता है, ले चलो ना, लगे हाथों अपना भी काम हो जाएगा। वहां पर जाकर मैं मुजरा नहीं करता, एजुकेटेड लोग आते हैं वहां पर। स्कॉच और कोनियाक चलती, देसी तरह नहीं चलता। पकड़ जाकर और जाके बाजी काट। एंड ऑफ द फॉलिंग ऑन माय हेड, फील आर री 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 जा। Yeah.
में कोई हया रही ना किसी में कोई लाज, नए दान का देखो लोगो नया नया अंदाज, किसी में कोई हया रही ना किसी में कोई लाज, हया लाज मुहे आई ना मुहे लेकिन ये तो अपना है चांदी जैसा रूप है मेरा सोने जैसे बाल बस मैं ही धनवान हो लोगो ये कड़का पंगा हो ये कड़का पंगा चांदी जैसा रूप है मेरा सोने जैसे बाल गवा बैठी है पी है बहुत शराब अरे अभी भी कहाँ है जानी आगे आगे देख मजा लेना है पीने
चुप चुप ऐसे अनछंड और नंगे कपड़े पहन के आने के लिए तुमसे किसने कहा था? तूने कहा जानी, तूने कहा था जानी और मैंने मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो तो ऊंचे लोगों के बीच पहनने के लायक तो है नहीं, और तुम्हारी ऊंची सोसाइटी में शराब पीना तो फैशन है ना। खैर, शबाब तेरे सामने शराब पी के बैठा और तेरे होठ सूखे, आ थोड़ा झप्पा झप्पी हो जाए, पप्पा पप्पी हो जाए। दूर रह मुझसे, चल। टैक्सी ड्राइवर देख रहा है। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, अरे प्यार किया तो... कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। साहिब ये मुगले आजम फिल्म का गाना है ना। चलो साला कल का लौंडा सत्या हमार अंगूरी के साथ घूमने फिरने लगा है, उसका होटल में घुमाने लगा है। उस साला अंगूरी ने भी हमार बहुत बेइज्जती किया है, अब हम उसकी इज्जत से खेलेंगे। सुन रे बांगड़ू, उस ससुरी वहां बस्ती में लाल पीला रंग पुतवा रही होगी, लगाम डाल के उठा ला। आज गुरु घंटाल धनिया पांडे बगैर रंग के ही उका मुंह काला कर देंगे। चला अब होगी लौंडा पच्चीसी। हो गया है, वो लोग साड़ी खींचे थे, हम फिर आज खींचेंगे। अरे खींच रहे, अरे दुशासन पकड़ अपनी मौसी को, इधर इधर। अरे बेबी सारा ताकत भाग दौड़ में लगा दोगी तो फाइनल खेल के लिए ताकत नहीं बचेगा। चलो एक पप्पी दो। अरे पप्पी दो, पप्पी। अरे बेबी पप्पी मांगा गुत्थम। पांडे गुरु घंटाल, मैंने तुझसे कहा था कि बस्ती में तेरा पैतरा काफी फिट है और कुछ बेवकूफ लोग तुझे गुंडा भी कहते हैं। आज उसी बस्ती में तेरी मस्ती और इज्जत दोनों का जुलूस निकलता हूं। मेरा भाई भी पुलिस इंस्पेक्टर, हाथ बंद लगाना मेरे को। आज तो इसकी जमानत ले ली मैंने माँ, पर एक बात समझा दो इसको, अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने जाकर दलील ले आऊंगा, वही थाने में सड़ने दूंगा इसे।
बड़ा ठीक कह रहा है, सुना तूने? तुम भी इसे समझा दो माँ, अगर कोई गुंडा किसी जवान लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो उसे जिंदा काट दूंगा, फिर चाहे सड़ने के लिए थारे में डाल दे या सूली पे लटका दे। बोलो, बोलो। ये छोटा तो ठीक ही कह रहा है, भला कोई मर्द किसी लड़की की इज्जत लूटते हुए थोड़ी देख सकता है। माँ इसके लिए कानून बना है, इसको कानून अपने हाथ में लेकर थानेदार बनने के लिए किसने कहा था? हाँ, तुझे थानेदार बनने की क्या जरूरत है? माँ कौन सा थानेदार आज तक इज्जत लूटते वक्त समय पर पहुँचा है? कानून वाले तो हमेशा हादसे के बाद ही पहुँचते हैं, ऐसे वक्त पर किसी गैर कानूनी थानेदार को ही थानेदार बनना पड़ता है। माँ बराबर, छोटा तो ठीक ही कह रहा है, सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है बेटा। मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर की बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात। और अपने घर के अंदर कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसके हाथ मारने वाला। माँ देखो, तुम इसको समझा दो, अगर ये बड़े भाई के नाते मेरी चमड़ी भी उधार डालेगा ना, मैं उफ नहीं करूंगा, मगर कानून का पंजा लेकर अगर हाथ बढ़ाएगा ना तो मैं भी पंजा लड़ाने से पीछे हटूंगा। छोटे तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर इस तरह झगड़ते रहे ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सॉरी सॉरी। देखो बेटे, इस तरह झगड़ना ठीक नहीं है, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों का मेल और जोड़ी इसी तरह बनी रहे, किसी की बुरी नजर ना लगे। इसका नाम है जॉर्ज, अगर ये खून करने का धंधा नहीं अपनाता तो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जरूर जीत लेता। शेषनाग जी, अमेरिका से खास तौर से आपकी सेवा के लिए आया है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहो कि इसको दूर हटाने से हमारी ज्यादा सेवा होगी। हाँ ऐसा, कहीं गलती से गोली चल गई तो शतरंज की बादशाह की तरफ बैठे बिठाए हम मर जाएंगे। हमको इंडिया था, हमारा बंदूक कुछ नहीं देखता, सिर्फ दुश्मन का खोपड़े देखता है। ओ। कौन है वो आदमी? हाँ नाम है उसका देवा, बड़ा खतरनाक आदमी है, कल रात पार्कव्यू होटल में मीटिंग के लिए आएगा, किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। अब दाम तुम्हारा, काम हमारा। खतरनाक आदमी और जंगली जानवर का शिकार करने में ज्यादा मजा आता है। गुड, वेरी गुड, कल का सारा प्लान शिवा तुम्हें समझाएगा। ओके, मैं एक बार जिसे मिल लूं इंस्पेक्टर।
उसे पहचानने में कभी भूल नहीं करता। तुम वही सूर्य प्रताप हो ना, जिसे मैंने अपने हाथों से इनाम और दिल से आशीर्वाद दिया था। जी सर, आपके इनाम ने मुझे ईमान का रास्ता दिखाया और आपके आशीर्वाद ने मुझे ये वर्दी दी। वैसे आपके दुश्मनों ने आपकी जान लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, पर जिसे भगवान बचाता है उसे दुश्मन तो क्या कोई भी नहीं मार सकता। उस पेशेवर इंटरनेशनल कातिल जॉर्ज की लाश तो पुलिस को मिल गई है, पर आप पर ये जानलेवा हमला किसने करवाया? मेरे तो सभी दोस्त हैं इस दुनिया में इंस्पेक्टर, किसका नाम बताकर उसे अपना दुश्मन बना लो। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है तो आप हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर क्यों चलते हैं? अपनी जान और माल की हिफाजत करना किसी कानून में गुनाह नहीं है। फिर भी किसी पर कोई शक या किसी के साथ नई पुरानी रंजिश? रंजिश तो दिल में होती है इंस्पेक्टर, जुबान पर नहीं। आपकी बातों से एक बात साफ जाहिर है, या तो आप अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं पहचानते। अगर मेरी किसी से जाती दुश्मनी है तो मैं उसका नाम अपने बेटे को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देवा ने दोस्ती और दुश्मनी हमेशा अकेले ही निभाई है। और मुझे भी अपना कर्म अकेले ही निभाने की आदत है देवा साहब, सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूं, कानून गुनहगार के कान पकड़ता जरूर है, चाहे सीधे पकड़े या फिर घुमाकर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देवा साहब, आपके एक इशारे पर उस हरामजादे शेषनाग के कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा, कहें तो आज ही उसकी अर्थी उठवा दें। भंडारी, दुश्मन को मौत की घाट उतार देना बहुत पुराना रास्ता है, मैं तो उसे जिंदगी देना चाहता हूं, ऐसी जिंदगी जिसके हर कदम पर उसे मौत पीछा करती हुई नजर आए। देवा को मारना इतना आसान काम नहीं है शेषनाग भैया। ये विदेशी तमंचे वाले यहाँ के देसी शेरों का शिकार नहीं कर सकते। बस एक काम करो शेषनाग भैया। बोलो। हमें माल देते रहो, फिर देखो गुरु घंटाल धनिया पांडे उसकी कैसी फिटिंग करते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। हेलो, शेषनाग स्पीकिंग। चलो शेषनाग, आज बड़े सपेरे देवा साहब ने तुम्हें अपनी मांग में बुलाया है। परेशान क्यों होते हो भंडारी, 12:02 बाकी है। रॉजर और रघु अच्छी तरह जानते हैं कि मैं काम और वक्त का बहुत पाबंद हूं। आओ शेषनाग, आओ। ओह, मुझे माफ कर दो देवा साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये लोग तुझे माफ नहीं करेंगे। ये लोग अपनी निशानेबाजी का इम्तिहान देना चाहते हैं। जैसे ही मेरी आवाज सुनकर तू भागना शुरू करेगा, मेरे आदमी तुझ पर गोलियों की बरसात करेंगे। जहां तू रुककर खड़ा हो जाएगा, वो गोलियां तेरे जिस्म को छलनी कर देंगी। अगर तू भाग गया तो तू बच जाएगा, और अगर रुक गया तो तू मर जाएगा। नहीं, भाग। Thank you.
मुझे माफ कर दो देवा साहब, मुझे मुझे मेरे जीवन का दान दे दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कोई भी भिखारी देवा के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा। जा, मैंने तेरी जिंदगी बख्श दी, लेकिन फिर कभी मरते दम तक मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे ये आदमी मेरे जाने के बाद मुझे गोली तो नहीं मारेंगे ना? ये लोग वफादार हैं, इशारा समझते हैं। अच्छा, जा। थैंक यू। अब इस शेषनाग का फन अपने ही बिल में घुसा रहेगा। पर दिवा साहब, हमारे लिए एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तुम इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप की बात कर रहे हो ना भंडारी? वो बड़ी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा है, उसे अपना कर्म करने दो। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप हियर। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी चार आदमियों ने मेरे घर में घुसकर मेरे जेवर के साथ मेरी इज्जत भी लूट ली है। मैं खून से लथपथ पड़ी हूँ। हेलो हेलो मैडम, आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज जल्दी से। 115 हिंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जू विले पार्ले स्कीम। यू स्टूपिड गर्ल, ये भी कोई मजाक करने का वक्त है? हाँ है, है, है। तुम्हारे पास ना मेरे लिए वक्त है, ना मेरे प्यार के लिए वक्त है, पूरी दुनिया के लिए वक्त है, और अपनी दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। आज शाम को 4:15 मैंने अपने अंकल के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। पर 4:00 तो मुझे बहुत जरूरी काम है, कभी और। तुम 4:15 अगर यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं ठीक 4:00 पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। ठीक 4:15 तुम अपना वादा भूल सकते हो इंस्पेक्टर, मगर मैं वक्त और वादे दोनों की पाबंद हूँ, इसलिए वक्त पर आ गई हूँ। और अब वादे के मुताबिक तुम्हारे पुलिस स्टेशन का मुझे बाजा बजाना है। अब प्लीज 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 कूल डाउन, शांत हो जाओ प्लीज। देखो तुम्हारी खातिर मैंने कितने कितने काम सब जल्दी कर दिया है ना। यहाँ का काम तो कर दिया, अब मेरा काम भी कर दो। तुम्हारा काम? कौन सा काम? कितना हंसे वाला है मेरा कहना, मानना सुन भी।
देखी नहीं जाती सर, आपको क्या हो गया सर? इडियट। यस सर। शर्मा, तुम्हारी गाड़ी में टाइम क्या हुआ है? सर, 4:05 है सर। तो फिर उस गाड़ी में चार कैसे बच गए? सर, वो चक्कर ये है कि सरकारी दफ्तर में हर काम धीरे धीरे होता, कम से कम इस घड़ी को तो फास्ट चलने दीजिए। इडियट। यस सर। शर्मा जी। जी हाँ जी, वो बात यह है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। आई लव यू। अपॉइंटमेंट? सर जी, इसी अपॉइंटमेंट के चक्कर में तो हमारी फैमिली में एक एक करके अलग अलग डिजाइन के 6-6 डिसअपॉइंटमेंट है। 7th इज ऑन द वे। लगता है आज भी नहीं आएगा। 4:02 बाकी हैं बेटी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लाडली भतीजी का थानेदार हमारे घर चाय पर जरूर आएगा। अंकल, अगर वो आज नहीं आया तो मैं उसकी वर्दी फाड़ दोगी? पति को अपने कब्जे में रखने के लिए औरतों को अपना गुस्सा हमेशा नाक पर रखना चाहिए। अरे, थाने में भले वो अपना हुक्म चलाए, घर पर तो उसे हमारी लाडली बेटी की नौकरी करनी पड़ेगी। लगता है आ गया। आ गए? चलो जल्दी से उसे अपने अंकल की अदालत में पेश करो। जी। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सुनो, पहली बार अंकल से मिल रहे हो, जरा जमा कर तबीयत से इंप्रेस कर देना। अरे, पहले तुम्हें तो इंप्रेस कर लूं, अंकल तो खुद ब खुद इंप्रेस हो जाएंगे। ए, सब कुछ अभी कर लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? हाँ, ये बात भी ठीक है, मैं अंकल को इंप्रेस करके आता हूँ। ओके। आओ आओ आओ, पधारो पधारो। जैसा तुम्हारा नाम सूर्य प्रताप, वैसे ही तुम्हारे चेहरे पर प्रताप है। आओ 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 बेटे, बैठो। इसे अपना ही घर समझो। समझो क्या, ये सब तुम्हारा ही है। रजनी मेरी भतीजी नहीं, बेटी है। इस करोड़ों की जायदाद की वो अकेली वारिस है। मैं तो क्या, मैं तो चौकीदार हूँ उसकी अमानत का। अरे नहीं नहीं अंकल, आप चौकीदार नहीं, आप तो रक्षक हैं। इसीलिए तो माँ बाप ने मेरा नाम शेषनाग रखा है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं बेटे, क्यों करते हो ये 1500 की नौकरी? क्या रखा है उसमें? शादी के बाद कल तुम ही तो मालिक बनोगे इस रियासत के।
अंकल, मैं रुपयों के खातिर ये नौकरी नहीं कर रहा हूं और ना ही इस रियासत का मालिक बनने के लिए रजनी से शादी करना चाहता हूं। मैं खुददारी की जो दो रोटी कमाऊंगा उसकी बराबर की हकदार रजनी भी होगी। वाह 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 वाह, बड़े उच्च कोटि के विचार है तुम्हारे। अरे इस कलयुग में तुम्हारे जैसे लोग हैं, वरना धरती पाताल में चली जाती। मैं कुछ समझा नहीं। खैर छोड़ो, हमें अपने जग की सोचनी चाहिए। पराई आग में अपना हाथ क्यों जलाएं? हाँ? अधूरी जंग और अधूरी बात मुझे अच्छी नहीं लगती अंकल। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, मैं तो उस धर्मात्मा, धर्म अवतार, दानी, पुण्यकर्ता देवा की बात कर रहा था। कुछ साल पहले यह आदमी 800 रुपए महीने की नौकरी करता था, आज वो 8 कंपनियों का मालिक बन गया है। और क्या क्या जानते हैं आप देवा के बारे में? मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जानलेवा हमले या तो नेताओं पर होते हैं या काले धंधे करने वालों पर। शरीफ आदमी शराफत से रहता है। अब बताओ, तुम कभी अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूमते हो? या मैं अपने साथ फौज लेकर चलता हूँ? शराफत की चादर से बाहर जो आदमी अपने पैर फैलाता है ना, उसे कफन दफन का सामान साथ रखना पड़ता है। अरे गुंडे बदमाशों को मारने के लिए जब पुलिस मौजूद है तो अपने आदमियों से किसी का खून करवाना क्या ये गुनाह नहीं है? ये काम तो गुंडों के बादशाह का है। अंकल, मिस्टर देवा के बारे में आपने मुझे जो कुछ भी बताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अरे नहीं, पराया किस्सा सुनाने का ये मतलब नहीं कि तुम असली कथा छोड़कर ही चले जाओ। जिंदगी की कथा तो चलती ही रहेगी अंकल, मगर उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है फर्ज, जिसका सबक देकर आज आपने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। नमस्ते। नमस्ते। लोहे से लोहा टकराता है तो आग निकलती है, और मैंने तो आग ही भेज दी है लोहे को पिघलाने के लिए। शेषनाग जी, किसी भी देश की नींव कमजोर करने के लिए बाहरी मुल्क के हमले के साथ साथ अंदर के आपसी झगड़े और बढ़ा देने चाहिए। ए, ज्यादा फुंकारो नहीं, ये बताओ कि तुम्हारी नीयत क्या है? नीयत तो साफ है शेषनाग जी, मैंने उस जहर का इंतजाम कर लिया है जिससे देवा का सर्वनाश हो जाएगा। भीमा, जिसके नाम से जमीन कांप उठती है और आसमान फट जाता है। अगर वो महान हरामी व्यक्ति मुझे मिल गया तो देवा की अंतिम यात्रा ऐसी होगी जिसको कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। भीमा, बस्ती खाली करवाना मेरा धंधा है, मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, पर प्रिंस किशोर सेठ से बहुत गहरी दोस्ती है, जो इस जगह को 20 लाख रुपए में खरीद चुके हैं। 7 दिन का वक्त है तुम लोगों के पास, 7 दिन में ये मस्ती नगर खाली करके चले जाओ या 20 लाख रुपया सेठ के पास जमा कर दो, वरना ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये मस्ती नगर की जगह शमशान नगर बन जाएगा, समझे? 7 दिन चल बे। क्या बात है जान चाचा, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? और ये भीमा यहाँ क्यों आया था? कहने आया था 7 दिन बाद यहाँ बस्ती की जगह पर शमशान भूमि होगी बेटा। क्यों? बस्ती खाली करने की धमकी दे गया है, या फिर 20 लाख रुपया ब्रिज किशोर सेठ को देने के लिए कह गया है। हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी और ये 3 का छप्पर है, ये लाख करोड़ बेटा हम कहाँ से लाएंगे?
शेषनाग जी, यह है भीमा। लगता तो सुना है कि तू मस्ती नगर को शमशान नगर बनाने वाला है। हाँ, अभी तो सिर्फ तुमने सुना है, 7 दिन के बाद देख भी लोगे। अच्छा, वो तेरे साथ जो चमचे उमचे आए थे वो का? क्यों? नहीं, मेरा क्या है कि मैं एक आदमी की एक ही बार धुलाई करता हूँ। अभी तुमको अकेले को मारूंगा तो तुम कल चमचे लेके आओगे, फिर उनकी धुलाई करनी पड़ेगी, फिर रात होगा तकलीफ। तो तुम लोग एक साथ कब और कहाँ मिलोगे, बस इतना बता दो। लगता है सारे आम बेइज्जती करवाने की तेरी आदत है, तो ठीक है, आज शाम को 7 बजे मैं अपने चमचों के साथ गोल्डन बार में तेरा इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। आइए शेषनाग जी। नहीं, अभी तुम शाम को 7 बजे गोल्डन बार में जाओगे, वहां इन दोनों का मलयुद्ध होगा और उसमें जो जीतेगा उसे मेरे पास लेकर आओगे, समझे? ठीक है। बीमा को वादा करके इसने पूरा किया है, मैं इसे मारकर अपना वादा पूरा करूंगा। और सुन, मैं अपने लोगों को इसलिए लाया हूं ताकि तेरी अर्थी उठाने के लिए तेरे घर वालों को आना नहीं पड़े। क्यों बे हरामी, भूल गया दुनिया का दस्तूर कि हमेशा घर वाले ही अपनों की अर्थी को कांधा देते हैं? दोबारा कभी उस पस्ती की तरफ निगाहें उठाई तो आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेके जा इसको। एक मिनट, तो मैं तमाशबीन समझूं या भीमा का मदारी? ना तो मैं तमाशबीन हूं और ना ही मदारी, मैं तो सिर्फ एक कदरदान हूं, जौहरी हूं। तो जौहरी बाजार में जाओ या दारू के अड्डे पे क्या कर रहे हो? मैं तो मस्ती नगर के लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक गुंडे को मारकर शेर बनकर घूमना समझदारी नहीं, क्योंकि मस्ती नगर की समस्या का हल सिर्फ ताकत ही नहीं। और हाँ, इस पते पे आ जाना, पते की बात जान जाओगे कि मस्ती नगर का ग्रहण कैसे छूटेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ? कम की जाए उसे बात कहते हैं और ज्यादा की जाए तो उसे बकवास कहते हैं। और मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं है। वाह, बातें तो बड़ी लच्छेदार कर लेते हो। अब काम की बात करते हैं। तुम्हारी समस्या है बस्ती के लिए रुपये, और वो 2-4 नहीं 20 लाख रुपये सामने पड़े हैं, ले लो।
सेठ जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसी पुण्य आत्मा इतना सारा रुपया खैरात में तो नहीं देगी। जाहिर है। और ये भी जाहिर है कि इन रुपयों की एवज में आप मुझसे कोई गैर कानूनी ही काम करवाएंगे। जाहिर है। मैं मरते मर जाता मगर कानून के साथ कभी आंख में चोली नहीं खेलता। मगर कोई भी ऐसा काम जो करने से गरीबों का भला हो और कानून का थोड़ा सा नुकसान, ऐसा काम करने से मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। हर समझदार इस कलयुग में ऐसा ही सोचता है। अरे दुनिया तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सोना चांदी वीडियो वीसीआर की स्मगलिंग तो टुच्चे लोग करते हैं। आजकल स्मगलिंग होती है नशीले पाउडर की, गर्द की, जिसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ड्रग्स कहते हैं। मैं मानता हूँ कि बस्ती को बचाना आज मेरी जिंदगी का मकसद है, मगर बस्ती को बचाने के लिए मैं जहर बेचूं, हजारों लाखों लोगों को अपाहिज कर दूं, काम ये टुच्चा है, मैं नहीं करूंगा। वाह, क्या विचार है, क्रांतिकारी विचार। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ना ही मैंने तुम्हें कानून तोड़ने के लिए बुलाया है और ना ही ड्रग्स का व्यापार करने के लिए। फिर? मैंने तुम्हें उस दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए बुलाया है जिसका नाम देवा है। दुनिया की नजर में वो देवता है लेकिन शेषनाग के लिए विनाश का अवतार है। वो हमारा हर माल उतरने के साथ ही लूट लेता है। तो फिर आप इत्मीनान रखिए, अब वो आपका माल नहीं लूट पाएगा। आज से उसका हर माल आपका होगा, मगर ये काम मैं अकेला करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो काम हमारी फौज ना कर सकी वो काम ये अकेला सिपाही करके दिखाएगा। असली जंगबाज जानते हैं, जो काम पूरी फौज नहीं कर पाती वो हमेशा इकलौता बहादुर सिपाही पूरा करता है। वाह, तो ले लो अपने 20 लाख रुपए, आज से तुम हमारे हो गए। आपका नहीं। जिस दिन इस 20 लाख की एवज में आप इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, मैं ये काम छोड़ दूंगा। मंजूर है? अरे तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। लेट्स गो। गाड़ी रोको। अब ओए, मरना चाहता है क्या? मरना नहीं, मारना चाहता हूं। पागल हो गया। जा बच्चे, रास्ता छोड़। बाप को बच्चा नहीं बोलते बच्चू। इतना सारा माल ट्रक में ले जा रहा है और मैं तुझे जाने दूं? ट्रक का माल तो देख लिया तूने, अब जरा हाथ का कमाल देख। तेरे कमाल से बड़ा कमाल है मेरे पास मेरे लाल। लाल पीले मत हो, इसे हैंड ग्रेनेड कहते हैं, और अगर मैं इसका पिन निकाल दूं तो 10 सेकंड में फट जाएगा। मैं मरूंगा, तू भी मरेगा, और तेरे ट्रक के साथ तेरा यह माल भी स्वाहा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। चल बेटा, मुझे नीचे उतर। चल ए दाढ़ी, चल तू भी नीचे उतर। चल ए ड्राइवर, तू उधर बैठ के रहना, अब उनको ट्रक चलाने का आदत नहीं है। सुन, ये टोपी तेरे को पहनाने के लिए लाया था। जाओ, जाकर अपने देवा साहब से कह देना कि उनका माल उड़वाने वाले का नाम है शेषनाग और उड़ाने वाले का नाम है सत्या। और यह भी कह देना उनसे कि दिवालिया भले उन्होंने ज्यादा देखी हो मगर पटाखे सत्या ने ज्यादा फोड़े। भंडारी, जिस आदमी को जीतने की आदत पड़ जाए, जब वो पहली बार हारता है तो उस हार में उसे जीतने से ज्यादा मजा आता है। भाई वाह, हमारे सिपाही पहरेदार बने खड़े रहे और एक लड़का
एक लड़का उनको हरा कर माल हर ले गया। जी चाहता है इस हार के लिए उस लड़के के गले में फूलों का हार डालूं। फूलों का हार तो अब उसकी अर्थी पे चढ़ेगा देवा साहब। अगर आप कहें तो उस सत्या बदमाश कमीने का राम नाम सत्याजी हो जाए। भंडारी, तुम भंडारी थे, भंडारी हो और हमेशा भंडारी रहोगे। धोखा देने वाले सपोलों को पांव के नीचे कुचला जाता है, लेकिन जो हमारी ही मान में आकर हमारे ही जबड़े से हमारा ही निवाला उड़ाकर ले जाए, वो शेर का बच्चा मारने के नहीं बल्कि गले लगाने के काबिल है। हम जल्द से जल्द उससे मुलाकात करना चाहिए। गुरुवार हो सोम हो मंगल हो बुध गुरुवार हो शुक्र हो शनिचर हो चाहे रविवार हो तेरा मेरा मेरा तेरा कहीं न कहीं मिलन मेरे यार हो सोम हो मंगल हो बुध गुरुवार हो शुक्र हो शनिचर हो चाहे रविवार हो तेरा मेरा मेरा तेरा कहीं न कहीं गुरुवार हो शुक्र हो शनिचर हो चाहे रविवार हो Thank you.
साथ जन्म के साथी। देवा साहब का माल लूट कर हजम करना इतना आसान नहीं बच्चे, हमारे साथ चलो वरना। अरे वरना क्या कर लेगा, गोली मार दूंगा, आगे मत बढ़ना। स्टूपिड, रिवॉल्वर मेरे सर पे रखी है और देख भंडारी गुरा, मिस्टर भंडारी, सत्या कभी किसी को छेड़ता नहीं और कोई उसे छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। वैसे देवा साहब से मिलने की मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मगर मुझे उनके पास ले जाने के लिए आपको इन खिलौनों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि बड़े ही दिलचस्प और मेहमान नवाज इंसान है वो। चले सत्या, इस नाम में बड़ा अपनापन लगता है। तुम्हारे काम के अंदाज में सत्य की ताकत नजर आती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब तक शराफत का चोला पहनकर आदमी इस दुनिया में जीता है उसे हर चीज से डर लगता है। जिस दिन ये चोला उतार के फेंक दिया, जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन अगर तुम्हारे ईमानदार, वफादार और सच्चे पुलिस ऑफिसर भाई को तुम्हारी करतूतों के बारे में मालूम पड़ेगा तो? मेरे भाई को मेरी हकीकत बताकर कहीं आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। पर यह सब तुम करते क्यों हो? कुछ लोग गरीबी की खातिर गुमराह हो जाते हैं तो कुछ गरीबों के खातिर। शौक से तो आपने भी इस गुनाह की दुनिया में कदम नहीं रखा होगा। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें यहां लूटे हुए माल की वापसी की खातिर नहीं बुलाया, सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया है कि अगर तुम ड्रग्स जैसी जानलेवा चीजों में हाथ डालोगे तो तुमसे मेरी जाती दुश्मनी हो जाएगी। लगता है हम दोनों एक ही नस्ल के। मेरा मतलब है कि ड्रग्स के मामले में हम दोनों के ख्यालात एक ही जैसे हैं। मैं पहले ही शेषनाग से कह चुका हूं कि ड्रग्स का व्यापार मैं कभी नहीं करूंगा। आगे जाता हूं। भंडारी, भले ही रास्ते हम दोनों के गलत हों मगर संस्कार एक से लगते हैं। ये शेर किसी शेरनी का दूध पीकर पला है। बड़े, पूछ इसे, इतनी बड़ी रकम ये लाया कहां से? आज पूरी बस्ती मुझे बधाई दे रही है कि मेरा लाडला इंसान से भगवान बन गया है। अरे पूछ इस अमीरजादे से, जो 20 रुपया कमाने की औकात नहीं रखता वो 20 लाख रुपया लाया कहां से? बोल कहां से लाया 20 लाख रुपया? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल कहां से लाया 20 लाख रुपया? चोरी की है मैंने। क्या डाला? स्मगलिंग की है मैंने।
मगर यकीन मानूंगा, उन गरीबों के बेघर होने से पहले उनके बसे हुए घर देखकर मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। अरे अफसोस तो मुझे है, जीते जी तूने मुझे मार डाला, मेरे तपस्या को रोक डाला तेरे कर्मों ने। मगर मैं तेरे इन कर्मों का बोझ नहीं उठाऊंगी। निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, चला जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ और कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर जाने से पहले एक बात कहकर जा रहा हूँ, मैंने तेरा काम आना है माँ, मैंने ऐसे कर्म किए जिसे करने से मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ है, बल्कि मन को शांति मिली है और मैं ऐसे हमेशा कर्म करता रहूंगा, इसे लेकर जा रहा हूँ, चलता हूँ बड़े, माँ का ख्याल रखना, अगर इससे कुछ हो गया ना मैं चीते जी मर जाऊंगा। अरे अरे सुन तो, अरे सुन, क्या क्या बोलकर चला गया वो, अरे जा उसे रोक, अरे जा। छोटे के वापस लौट आने से उसका कलंक चंदन का टीका तो नहीं बन जाएगा ना? तू भी हो जाते क्यों? नहीं माँ नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उस जड़ तक पहुंचना चाहता हूं जिसकी डाल से 20 लाख रुपए बरसते हैं, इसीलिए कल मैं इस धंधे के बेताज बादशाह से मिलने जा रहा हूं। देवा साहब, वो इंस्पेक्टर आपसे मिलने आया। सूर्य प्रताप, ले आओ उसे। जी। आइए। आओ सूर्य प्रताप, सरकारी मुलाजिम वक्त और फर्ज का बड़ा पाबंद होता है, मुझे यकीन है तुम सुबह सुबह मेरे घर बैठने नहीं आए होंगे। आपका अंदाजा कैसे गलत हो सकता है, लेकिन दीवारों से जैसे कोई राज राज नहीं होता, वैसे ही भंडारी भी एक ऐसी दीवार है जिसका कोई कान नहीं है, हर राज यहीं दफन हो जाता है। बोलो कैसे आना हुआ? आज मैं देवा साहब से नहीं, सत्यदेव से मिलने आया हूं। क्या सत्यदेव जी देवा का नकाब उतार कर मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे? सत्यदेव का नाम लेकर तुमने देवा का नकाब उतार दिया सूर्य प्रताप, बोलो क्या जानना चाहोगे उसके बारे में? आज का देवा गुनाह और गुनेगारों का बेताज बादशाह, 8-8 कंपनियों का एकलौता मालिक, अचानक 800 रुपया कमाने वाला एक मामूली सा मजदूर इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक कैसे बन गया? यही तो तकदीर का तमाशा है सूर्य प्रताप, मजदूरी तो आदमी मजबूरी में ही करता है। कानून और हथकड़ी दलीलों पर नहीं टिकी है देवा साहब, वो जब किसी को अपने पंजे में जकड़ती है ना तो मजदूर और मालिक एक बराबर हो जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं आपकी पत्नी और उन दो बेटों का क्या हुआ? इंस्पेक्टर, ये मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा और तुम्हारे कानून का कोई ताल्लुक नहीं। पर किसी की हत्या करवाना तो गैर कानूनी है देवा साहब, गोलियों से वार शरीफ आदमियों पर नहीं होते, गुंडों और सफेद पोशों पर होते हैं। गांधी और गोड़ से दोनों को गुनेगार साबित करने की कोशिश मत करो। मैं भूल गया देवा साहब, सत्यदेव से तो सत्य की उम्मीद की जा सकती है पर देवा से नहीं। सबूत के दम पर तुम देवा से भी लड़ सकते हो। एक बात कहूं देवा साहब, लोग दुश्मन को नफरत और इगारत की नजर से देखते हैं, पर न जाने क्यों आपकी हिम्मत और साफ दिली को देखकर मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई। मैं अपनी मां की सौगंध खाकर कहता हूं देवा साहब, अब इस चौकट पर मैं उसी दिन पैर रखूंगा जिस दिन मेरे एक हाथ में सबूत होगा और दूसरे हाथ में हथकड़ी। सूर्य प्रताप, मैं तुम्हें फिर आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जीत हो, झूठ की जंग लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं, सत्य की जीत होगी तो शायद सत्यदेव की आत्मा को शांति मिलेगी।
तुम हमेशा नंबर वन रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। सरकार 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 सरकार। अबे अबे ओए, सरकार से मिलना है तो दिल्ली जा। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर आया है तो बोल थानेदार 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 थानेदार। चुप। थानेदार साहब अंदर बंद है। मेरा मतलब है अंदर बैठे। अबे उठ, मुझसे अदब से बात कर। बोल हवलदार हवलदार। एक बार फिर हवलदार। बोल बालक, क्या तेरा चक्कर क्या है? थानेदार साहब से मिलना है। तो फिर कांप मत, सीधा अंदर चला जा डायरेक्ट। थानेदार साहब थानेदार साहब थानेदार साहब साहब थानेदार साहब, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया साहब। क्या बात है साहब? आपके इलाके में एक बस्ती है मस्ती नगर, वहाँ एक बुढ़िया ने साहब अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 10,000 रुपया कर्ज लिया था साहब। साहब जब मैं सूद मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया चुप रहती है, पर वो गुर्राता है साहब। और मैं मूल मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया रोती है और वो मारता है साहब। कौन है वो? है साहब वहाँ का दादा सत्या बदमाश। मैंने उससे कहा साहब कि कल मैं अपने थानेदार साहब को लेकर के आऊंगा, तो उसने कहा कि मैं उनकी भी टंगड़ी तोड़ करके वो मस्ती नगर के चौराहे पर टांग दूंगा। साला थानेदारी भूल जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन क्या भूलेगा, वो बदमाशी या मैं थानेदारी। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आऊंगा कल आपके साथ। ठीक है साहब, लेकिन साहब आइएगा जरूर। अम्मा, महाजन चाहे थानेदार को ले आए या गुंडे मवालियों की फौज, मैं तुम्हारा बाल तक पका नहीं होने दूंगा। सुना है कि तुम इस बस्ती के दादा बन गए हो? दादा तो लोग बड़े भाई को भी कहते हैं बड़े, और इन बस्ती वालों से मेरा यही रिश्ता है। तुम इसे पहचानते हो? पहचानता ही नहीं, जानता भी हूं। क्या तुमने इसे मारा? हाँ, सिर्फ लात जूतों से, जान से नहीं। तुमने यह भी धमकी दी कि अगर कोई पुलिस वाला इस बस्ती में आया तो तुम उसे भी उल्टा टांग दोगे? अबे बोलता क्यों नहीं, बोल। दरोगा जी को देख करके जुबान पेट में चली गई। अबे उठा हाथ, उठा उठा हाथ, गुंडा कहीं का। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बड़े, तुम तो कायदा और कानून लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए थे, उल्टा रिपोर्ट लिखाने वाले को धो दिया। हाँ, क्योंकि जो नाम हमारी मां की हर सांस के साथ जुड़ा हुआ हो, उस नाम को कोई अपनी गंदी जबान पर ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं छोटे। हाँ बड़े, हाँ, अंधे कानून और दिल के कानून में यही फर्क होता है। इन सेठों के जुल्म इनकी जाती सब सही लगती है, क्योंकि ये हर नाजायज काम, हर गैर कानूनी काम कानून के दायरे में करते हैं, और मैं उस कानून को सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं जो किसी के दिल किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए। जैसे कि आज तुम बड़े, तुम आज तुम अपना कानून भूल गए, ठीक उसी तरह मैं भी अपने दिल के कानून को मानता हूं और उसी के रास्ते पर चलता हूं।
चलता हूँ बड़े। ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो? लगता है मातम मना कर आए हो। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, मैं इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ, तू क्या तेरे फरिश्तों को भी खाना पड़ेगा? देख, मैं तेरे घर में रहता हूँ, तू मुझे खाना पकाकर खिलाती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे टुकड़ों पर पलता हूँ। चल जा ऐसे, चल। ऐ सुन, इधर बैठ। सॉरी, सत्या एक बात बोलूं? बोल। तू मुझे इतनी बार डांटता है, लेकिन तुम्हारी डांट में मैंने हमेशा प्यार पाया है, लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तू मुझे सचमुच डांट रहा है। नाराज मत हो अंगूरी, एक तू ही तो है जिसे मैं हक से डांट सकता हूं। आज मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। सत्या, अगर तू मुझे अपना समझता है तो कहकर मन का बोझ हल्का कर ले। आज बड़ा आया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मगर महाजन ने उसकी दुखती रग पे हाथ क्या रख दिया, उसने उल्टा उसी को उधेड़ दिया। देख, भाई भाई का एहसान कभी नहीं चुका सकता, मगर आज आज बड़े ने मुझे अपने वर्दी के कर्ज के नीचे दबा दिया। तू उनकी वर्दी का कर्ज चुका दे। अरे हाँ, ये कर्ज उस वक्त चुकता हो सकता है जब बड़ा अपना फर्ज निभाकर अपनी वर्दी पर सितारे नहीं चार चांद लगा दे। खुश क्या बात है, वाह। अगर मुझे पहले बार बताना कि डांटने से तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है तो मैं रोज तुम्हें बगैर किसी बात के डांट दिया करता। अरे ये डांट तो मैं उम्र भर खाने को तैयार हूं। माँ कैसी है बड़े? दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे से जुदा रहकर खुश नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती छोटे। ठीक कह रहे हो बड़े, ठीक कह रहे हो, मगर क्या करूं, तुम्हारा प्यार और माँ की ममता घर की ओर खींचती है, और बेबस लोगों की जिम्मेदारी बाहर की ओर। क्या सिर्फ यही सुनाने के लिए मुझे यहां बुलाया था तुमने? नहीं बड़े, अगर तुम देवा का माल और उसके आदमियों को रंगे हाथों पकड़ लो तो यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी आला अफसरों में गिनती होगी। मां कितनी खुश होगी। पर इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? इसलिए कि गुनाह और गुनहगारों के बारे में ज्यादा जानकारी या तो पुलिस वालों को होती है या फिर मुजरिमों को। माल कहाँ आ रहा है? कल शाम 4 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नंबर 4 से गुजरेगा उसका माल। हमारा माल पकड़ा गया देवा साहब। तो इतना परेशान क्यों होते हो भंडारी? राजा रघु भी तो पुलिस की गिरफ्त में है। जी, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी ने अपनी जबान खोल दी तो? भंडारी,
हमारे आदमियों की जबान इतनी कमजोर नहीं जो हमारे खिलाफ खुल जाए, जो सर पर कफन बांधकर हमारे लिए काम करते हैं, उनकी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा धर्म है। कल सुबह का नाश्ता वो लोग सलाखों के पीछे नहीं, हमारे साथ करेंगे। मेरी तुम दोनों के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं उन सब हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहता हूं जिससे पत्थर तक बोल उठते हैं। मैं तुम दोनों को एक पूरे दिन का वक्त देता हूं, ठंडे दिमाग से मुझे कल तक सोचकर बता देना कि तुम दोनों किसके लिए काम करते हो, वरना कल सवेरे मुर्गे की बांग के साथ साथ तुम दोनों की जबान भी तोते की तरह बोलने लग जाएगी। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। ओ लगी इडियट, सॉरी सर, सॉरी फॉर द टक्कर। दिन भर सपना देखते देखते अब आंखें बंद करके चलने की आदत हो गई तुम्हारी। सर वो चक्कर ये है सर, यू तो नो वेरी वेल सर, हैबिट सर, आदत सर, मजबूर सर, बट सर वो आपके लिए इनविटेशन है सर। किसका इनविटेशन है? सर वो देवा साहब ने अपने बेटे की हैप्पी बर्थडे पार्टी दी है सर, बहुत लोग आएंगे सर हैप्पी बर्थडे कहने। हाँ शर्मा, अक्सर जब फंदा करीब आ जाता है तो बड़े लोग बचने के लिए जश्न मनाते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसी कोई ना कोई इन्विटेशन आती होगी। खैर ये देवा साहब का बेटा करता क्या है? मिस्टर इंडिया है सर। अच्छा, कोई बॉडी बिल्डर है? नो सर, मेरा मतलब है किसी को नजर नहीं आता है, मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरह। सर उसका फादर हर साल उसका बर्थडे मनाता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, पर सर वो गायब रहता है। सर आपके कार्ड पे मैच चला जाऊं, आई वांट टू एंजॉय। चुप, अप, अप। सॉरी सर, ओके सर। इस बर्थडे पार्टी में मैं जरूर जाऊंगा। Good. I'm happy to hear that. Excuse me. Yeah. आओ इंस्पेक्टर आओ। हेलो। जानते हो हम अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर अपने अजीज दोस्तों और उससे भी ज्यादा अपने अजीज दुश्मनों को जरूर बुलाते हैं। आपका दरदान है, ये तो अपने नाम का कार्ड देखते ही जान गया था मैं। मैं भी अपनी दुश्मनी बड़ी दोस्ती के साथ निभाता हूं, इसीलिए तो आज वर्दी उतार कर आया हूं, वरना अपनी मां की सौगंध खाई थी मैंने, जिसका जिक्र इतने लोगों के सामने करके उसकी अहमियत कम नहीं करना चाहता। बोलो क्या पियोगे, ठंडा या गरम? माहौल गरम है इसीलिए कुछ ठंडा, वो भी आपके लिए, ताकि आप सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचें और कानून की जकड़ मजबूत होने से पहले आप खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दें। इंस्पेक्टर, हमें अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर अब शगुन सुनना पसंद नहीं है। मगर उस बेटे ने किस शगुन में जन्म लिया है देवा साहब, जिसका जन्मदिन तो मनाया जाता है पर वो खुद कभी नजर नहीं आता। दिल में बसने वालों की तलाशी नहीं ली जाती इंस्पेक्टर, मेरा बेटा तो अब भी मेरे पास है, मेरे दिल में बसता है, मेरी सांसों में जीता है। अजीब इत्तेफाक की बात है देवा साहब, जो आपके दिल में है उसका जश्न तो सारा शहर मना रहा है, एक बेटा और भी है जिसका जन्मदिन भी इत्तेफाक से आज ही की रोज है, पर उसकी मां अकेली घर पे उसका इंतजार कर रही होगी। कौन है वो खुशनसीब? बदनसीबी से वो आपके सामने ही खड़ा है। आज के दिन सिर्फ खुशनसीबी पैदा होते हैं। जाओ सब कुछ भूलकर मां का आशीर्वाद लो, जंग में मां का आशीर्वाद ही ढाल बनकर काम आता है। ठीक कहते हैं आप,
आपके बेटे के लिए लंबी उम्र की दुआएं देकर अपनी मां से जंग के लिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। आज तुम्हारे इस जन्मदिन के मौके पर हमारा यही तोहफा है कि इस जंग में जीत तुम्हारी ही हो। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। हर हफ्ते चला आता है इधर। अरे बाप की धर्मशाला समझ रखी है क्या? चल अंदर चल। अभी रात के 8:30 बजे हैं, ठीक 12:30 बजे इस चैम्बर के दाहिनी ओर दीवार में एक धमाका होगा। तुम लोग दीवार के उस पार चले आना, वहां एक कार खड़ी होगी जिसका ड्राइवर तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा, ठीक 12:30 बजे। देवा। देखा, ये है जलवा देवा साहब का, और वो कल का लौंडा हमारी जबान खुलवाना चाहता था, वो भी मुर्गे की बांग के साथ। अरे देवा साहब की तो परछाई छूने में भी उसे 7 जन्म लगेंगे। गाड़ी क्यों रोक दी? तुम जैसे वफादार कुत्तों की जबान ताकत से नहीं दिमाग से खुलवाई जाती है। इस कसट में तुम लोगों का एक बालिया बयान है जिसके बिना पर मैं तुम्हारे बॉस देवा की गर्दन कल कानून के पंजों से जकड़ दूंगा। जानते हो इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन में लिया गया बयान या टेप किया हुआ सबूत अदालत नहीं मानती। अदालत हमारे बयान को सुनकर ही कोई फैसला देगी, और हम बयान तब देंगे जब जिंदा रहेंगे। तो भंडारी, रघु और रॉजर की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उनके बीवी बच्चों को शक्ल दिखाने का हौसला मुझ में नहीं है। हाँ, आज से उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी देवा के कंधों पर है। देवा साहब, आज रघु और रॉजर मारे गए, कल को मैं मारा जा सकता हूं, और परसों भगवान न करे आप पर भी तो आंच आ सकती है। जो गुनाह के राहगीर हो मौत उनकी हमराह होती है, मगर वो इंस्पेक्टर तो अपने फर्ज की जंग लड़ रहा है। ये आपकी गलतफहमी है देवा साहब, ये जंग फर्ज की नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारी जान का दुश्मन इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप नहीं बल्कि शेषनाग का होने वाला दामाद है। क्या? जी, शेषनाग की भतीजी की शादी इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप से हो रही है, और इसीलिए वो आपका दुश्मन बन गया। अगर ये सच है भंडारी, तो सूर्य प्रताप कल का सूरज आखिरी बार देखेगा। लेकिन मैं उस पुलिस ऑफिसर को नहीं, उस इंसान को खत्म करना चाहता हूं जो पुलिस की वर्दी के नाम पर कलंक है। पता लगाओ कि वो वर्दी के बिना कब होता है। रोज सुबह जब वो मंदिर जाता है। सूर्य प्रताप, तुझे तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। Thank you.
गोली चलाइए देवा साहब, शूट, वो निकल जाएगा। शूट सर, शूट। ना भंडारी, एक माँ के सामने उसकी बेटे को खत्म करके उसे बेसहारा बना दो, नहीं ये पाप मुझसे नहीं होगा। सर आप तो गीता में विश्वास रखते हैं, और फिर कृष्ण ने गीता में कहा है कि युद्ध के मैदान में कोई किसी का बेटा भाई पिता या रिश्तेदार नहीं होता। ठीक कहते हो भंडारी, वो गीता किशन की है, लेकिन ये गीता मेरी है। यानी कि भाभी? हाँ भंडारी, चलो। गीता बहन, अरे ओ गीता बहन, चांद निकलने वाला है, चांद को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत तोड़ना है, चलो जल्दी। आप लोग चले, मैं बस अभी आई। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है? जी आप ही से। मुझसे? जी ये खत। ये किसका है? खुद ही पढ़ेंगी तो जान जाएंगी। नमस्ते। गीता 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 गीता। मैं जानता हूं तुम रो रही हो, मेरी तो बड़ी छोटी सी कहानी है गीता, जो मेरी जिंदगी से शुरू होती है और तुम्हारी जिंदगी पर आकर खत्म हो जाती है। आज सत्यदेव अपनी गीता से मिलना चाहता है, काले टीके में नहीं लाल टीके में देखना चाहता है। विश्वास करो, जब तक सत्यदेव जिंदा है, ये विश्वास का लाल टीका तुम्हारे माथे पर हमेशा चमकता रहेगा। बोलो, लाल टीका लगाओगी ना? हनुमान जी के बड़े मंदिर पर तुम्हारी राह देखूंगा, अपने सुहाग से सुहागन बनकर मिलने आना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैंने तुम्हें आंसुओं के अलावा दिया है क्या? जब बिछड़े थे तो आंसू, आज मिले हैं तो आंसू। आंसुओं का रिश्ता यादों से होता है, और यादों का अपनों से। आज तुम भी तो रो पड़े। गीता, तुम लाल टीका लगाकर आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी तो मेरा सत्यदेव मिल गया।
मैं वचन देता हूं गीता, अब सत्यदेव इस माथे पर कभी कलंक का टीका नहीं लगने देगा, कभी नहीं। देवा साहब यहाँ जरूर दाल में कुछ पीला है। देखो साहब, सत्या कभी झूठ नहीं बोलता। ये सच है कि मैंने आपका माल लूटा है, अपने भाई से कहकर आपका माल पकड़वाया भी, लेकिन संस्कारी परिवार के बच्चे होकर पिता समान आदमी को अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? जो खुद बेघर हो वो दूसरे को घर में क्या बुलाएगा। खैर आइए। ये तस्वीर किसकी है? मेरी माँ की। लेकिन ये तस्वीर कुछ अधूरी सी लगती है। इसी अधूरेपन में तो मेरी माँ का सुहाग छुपा हुआ है, और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए सत्या अपनी जान भी दे सकता है। ये तुम्हारा वादा है? ये मेरा वचन है। हाँ बेटा, मैं ही हुआ भागा बाप हूं जिसे भगवान ने चांद और सूरज जैसे दो रतन दिए, लेकिन 20 साल तक मैं उन्हें गले से लगाने के लिए तरसता रहा बेटा। पिताजी, चल बेटा, उससे भी दादा, तेरी मां को तेरा इंतजार है। चल। मैं देखती हूं। बेटा 4 दिन बाद घर आया है, तो ये आओ भगत, पति 20 साल बाद लौटा है तो कोई उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा। आइए। अरे कौन है माँ? इस घर के दहलीज पर पांव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाइए यहाँ से। अरे बड़े सुनिए। माँ तो इस आदमी को नहीं जानती, इसकी रग रग को तो मैं पहचानता हूँ, और अब मेरा शक पूरे यकीन में बदल गया है। माँ, ये तो वही शख्स है जिसकी गिरफ्त में फंसकर हमारा सत्या गुनहगार बनाया। बड़े माँ, ये वही शख्स है
जिसने 20 लाख रुपए में हमारे घर के मान सम्मान को खरीदने की कोशिश की है। ये वही शख्स है जिसने मेरे पिता के मान को, मेरे पिता के संस्कारों को, उनके ऊंचे आदर्शों को खरीदने की कोशिश की है। अरे माँ, ये तो वो हैवान है जिसका बीज जहाँ पड़ जाए वो हरा भरा खेत भी सूख कर बंजर बन जाता है। और ये वो बीज है जिससे आज तेरा वजूद है। और सुन, ये वो अमृत है जिसने अपना बलिदान देकर तेरे भाई को और मुझे जीवन दिया है। ये मेरे पति है, तेरे पिता है और मेरे भगवान है। माँ, ए माँ, देखा बड़े, हमारी माँ हम दोनों से झूठ कहती रही कि हम दोनों उसकी दो आंखें हैं, मगर हकीकत में उसके मन मंदिर में सिर्फ एक ही इंसान की मूर्ति बसी हुई है और वो है पिताजी। भाई, मुझे तो डर लगने लगा कि पिताजी के आ जाने से कहीं हमारी माँ हमसे दूर तो नहीं हो जाएगी। आज भगवान ने मेरी सारी खुशियां मुझे लौटा दी। अब मैं अपनी सारी दौलत दान में देकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। तो ये दोनों लौंडे इसी के हैं, अब होगी लौंडा पच्ची सी। वाह धनिया पांडे, वाह वाह वाह, ऐसी खबर लाए हो कि अगर मैं किसी देश का प्रधानमंत्री होता ना तो तुम्हें कम से कम मंत्री तो जरूर बना देता। अरे शेषनाग भैया, गुरु घंटाल धनिया पांडे वो हथियार है, जब दुनिया के सब हथियार फ्लॉप हो जाए तो धनिया पांडे काम आए। अब टाइम बर्बाद मत करो, तुम अपनी फिटिंग में लग जाओ और हम अपनी फिटिंग कर देते हैं। जय राम जी के। वाह, 20 साल के बाद आज सत्यदेव फिर मेरी पकड़ में आ गया है। अब तू देख तकदीर का तमाशा। देवा साहब, आप जानते हैं आपने किन कागजातों पर दस्तखत किए? जानता हूं वकील साहब, सत्यदेव ने अपनी सारी जमीन और जायदाद उन बच्चों के नाम कर दी है जिन्हें समाज अनाथ कहता है, और फिर सत्यदेव का दाया और बाया हाथ तो उसके साथ है। हेलो देवायर। देवा साहब, मैं आपका विशेष मित्र शेषनाग बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शेषनाग। देवा जी, आपने तो बिना मुझसे पूछे कानून के सामने हथियार डालने का फैसला कर लिया, और शायद यही वजह है कि जो हथियार मैं नहीं उठाना चाहता था मजबूर होकर मुझे उठाना पड़ा। ना मर्द हथियार नहीं उठाते शेषनाग, गंदी और ओछी चाले चलते हैं। हाँ, इसलिए राजा को मात देने के लिए मैंने तुम्हारी रानी को तुम्हारी रानी को अपने कब्जे में ले लिया है मिस्टर सत्यदेव। क्या गीता, तेरे हरामजादे, मैं तेरी शांति शांति शांति। गर्मी खाओगे तो तुम्हारी प्यारी पत्नी की चीता को अग्नि भी नहीं दे पाओगे। मेरे गढ़ का तो तुम्हें पता ही है, आज तक तुमने मेरा जितना माल लूटा है उसे ना मैं कानून के हाथ लगने दूंगा ना इनकम टैक्स के पास जाने दूंगा। हाँ, इसलिए मेरा माल लेकर फौरन यहाँ चले आओ, वरना इस रावण की लंका में तुम्हारी सीता स्वरूप गीता जीते जी जलकर राख हो जाएगी। देख शेषनाग, मेरी गीता को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे पति आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्यदेव ने अपने जीवन में गीता से बढ़कर किसी को इतना प्यार नहीं किया। माफ करना बेटी, मजबूर हूं मजबूर, क्या करूं, तू जिद पर आड़ी है कि शादी करूंगी तो उसी थानेदार से, और मेरी जिद है कि तू किसी भी हालत में उस घर में दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। तुम चाचा नहीं, दो मुआ साफ हो।
तुम्हारी काली करतूतें देखने के बाद तुम पर थूकने को जी करता है। थूको थूको, लेकिन मत किया करो अपनी स्वर्गवासी पिता की तरह आदर्शवादी बातें, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे आ गया सत्यदेव। उम्र में भी नजरें लड़ा रहे हो? अपने चौदहवीं के चांद को घर जाके आराम से देख लेना, पहले मेरा माल मुझे लौटा दो। मैंने अपनी गीता को खोकर उम्र भर में जो कुछ कमाया वो इस टिकी में बंद है। अपने आदमियों से कहो कि अपना माल उठा लें और गीता को मेरे हवाले कर दें। नहीं, पहले देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गुरु हूँ तो तुम गुरु घंटाल हो। शिवा डिक्की खोलो। शूट देम। हाँ, कम की जाए उसे बात कहते हैं। एक मिनट, ज्यादा की जाए तो उसे बकवास कहते हैं। आएगा धनिया पांडे, अब होएगी लौंडा पचीसी। सतिया, अपने भैया से कह दो कुछ छोड़ दे, नहीं तो तू जिंदगी भर रंडुआ रह जाएगा। तेरी होने वाली जोरू पर लोग सिधार जाएगी। छोड़ दे मुन्ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आई साला, आई। आ गया धनिया पांडे। इधर आजा सेठ नाग भाई।
भैये। अरे आ जाओ बेबी, पूरा ड्रामा तो देखो। अरे धनिया पांडे शिंडी वाले, हम तुम पर बहुत खुश है, बोलो क्या चाहते हो? अरे चाहते तो कुछ नहीं, याद हम तो उसे कहे थे जहाँ बड़े बड़े हथियार फेल हो जाए वहाँ धनिया पांडे काम आएंगे। इस साला हरामजादा सत्या ने पूरा बस्ती के सामने गुरु घंटाल धनिया पांडे का बहुत बेइज्जती किया था। आज हम इसके भाई, इसके माँ बाप के सामने इसके घर की होने वाली इज्जत को तार तार कर देंगे। आज तो हम तेरा पूरा ही रस पी जाए। कहाँ से शुरू करें? अरे धीरे धीरे चलो, मरी बाकी हिरनिया, धीरे धीरे चलो मरी बाकी हिरनिया। अरे हिरनिया तो पकड़ लिया, हम भी पुराने हरामी है। पिताजी, भैया ये सब क्या हो गया भैया? छोटा तू घबरा मत, हम इनको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, नहीं, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। माँ बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें कांधा देने के लिए उनके नौजवान बेटे उनके साथ हो। पिताजी, गीता सात फेरों के बंधन में बांध कर लाया था, साथ साथ जी तो नहीं सके लेकिन एक साथ इस दुनिया को छोड़कर तो जा रहे हैं। वादा करो जन्म जन्म तक साथ दोगे ना? गीता, अरे अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ मैं, दुनिया में सबसे खुशनसीब हूँ मैं, दुनिया में सबसे खुशनसीब।